आगामी त्योहारों से पहले पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर बेटमा थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां बीजेपी कांग्रेस सहित सभी समुदाय के जनप्रतिनिधि व नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए, जिसमें कोरोना काल के बाद आए त्योहार को लेकर विशेष चर्चा की गई। शांति समिति की बैठक में होली, रंग पंचमी सहित शबे बारात के त्योहार पर चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ इन त्योहारों को मनाएंगे। बैठक में उपस्थित लोगों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासन के सामने अपनी बात रखी और आने वाली कठिनाइयों पर राह तलाशी। कोरोना काल के 2 साल बाद आए होली, रंग पंचमी और शबे बारात जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में इस बार किसी गाइडलाइंस के न होने से त्यौहार के प्रति उत्साह और तैयारी को लेकर विशेष चर्चा में त्यौहार में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की बात की गई। बैठक में थाना प्रभारी संजय शर्मा, गोपाल सिंह जी चौधरी, लोकेंद्र सिंह चौहान, असलम शेख सहित कई गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज होली और रंग पंचमी के संबंध में शांति समिति बेटमा पुलिस थाने की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में सभी लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्यौहार मनाने के बारे में सहमति दी और सब लोग मिल करके सभी संप्रदाय हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके त्यौहारों को मनाएंगे और इस त्यौहार में किसी तरह की भी कोई अभद्रता नहीं हो, सब लोग मिल करके खुशी खुशी मनाएं। यदि कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए तो सब लोग उसको इग्नोर करके आगे बढ़ें और त्यौहार को अच्छे धूमधाम से मनाएं। यही सब आगामी होली एवं शबे बारात के अवसर पर शांति समिति की एक मीटिंग ली गई, जिसमें त्यौहार है उनको सद्भावनापूर्वक शांति से संपन्न करवाने किया गया, अनुरोध किया है। तो सभी लोगों ने सहमति की अपने सभी नए जोर से त्यौहार संपन्न कराए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।